हमारा खाना आ गया है पनीर मसाला। और देखिए यहाँ पे कितना भीड़ लगा हुआ है एकदम, पूरा एकदम गाड़ी सजाने के एकदम सामान यहाँ पे मिल रहा है। तो छोटू पसंद किया है, रोहित भाई भी मिल जाएगा, रोहित पंकज ब्लॉग। चलिए मीटअप हो जाए फिर। नवीन भैया से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पूजा भैया आपको कहाँ मनेगा, हो सकता है कि देखिए दोस्तों अभी नवीन भैया आए हुए है। हम लोग आज करीब 5 महीना पहले मिले थे धनबाद में, जहाँ मटन लिए थे। नवीन भैया इधर जा रहे थे, हम लोग बंगाल जा रहे थे। बहुत अच्छा लगा मिलके भी। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपके दुआ से हम भी ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह का 7 बज गया है और देख सकते हैं अपना गाड़ी रास्ता तिरपाल होकर के रेडी हो गया है। और पिछले ब्लॉग में देखे हुए कि यहीं पे वीडियो को एंड किए थे, जबकि रास्ता तिरपाल उस समय हुआ नहीं था। अभी रास्ता तिरपाल होकर के कम्प्लीट हो गया है। तो अभी हम रामनगर में है और अभी बिल्टी मिलने का अभी इंतजार कर रहे हैं। कितना देर में बिल्टी मिलता है देखते हैं, बिल्टी मिलेगा फिर यहाँ से निकला जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, चलिए बिल्टी का इंतजार करते हैं फिर। तो दोस्तों रास्ता तिरपाल भी करवा लिए हैं और जब तक बिल्टी मिलता है जब तक चलते हैं, नहा कर आ जाते हैं। तो यही सामने है, नहाने वाला नल भी लगा हुआ है, यही चलते हैं नहाने के लिए। दोस्तों फाइनली हम लोग का पेपर ओके कर दिए भाई साहब, देख सकते हैं। और चलिए अभी पेपर लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। अभी छोटू नहा रहा है, अब बस नहा लिया होगा और पैसा भी दे दिए इनका, लोडिंग अनलोडिंग जो है हमको वहाँ पर मिल जाता है। तो चलिए अभी पेपर लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो भाई साहब चलते हैं, ठीक है फिर मिलेंगे। तो दोस्तों अभी नहा करके आ गया है छोटू, तो चलते हैं अभी गाड़ी निकालते हैं बाहर में, गेट से बाहर। गार्ड साहब गेट खोल दीजिए। चलिए अभी गेट खोलते हैं गार्ड साहब, फिर निकालते हैं गाड़ी। दोस्तों फैक्ट्री से तो निकल गए हैं और अभी चलते हैं हाईवे में। हाईवे में चल करके चलते हैं, सुबह सुबह चाय का आनंद लिया जाए हम और छोटू छोटू के साथ। तो चलिए चलते हैं फिर। दोस्तों अभी आ चुके हैं पचफेरवा और सामने पेट्रोल पंप है, चलते इसी पेट्रोल पंप पर डीजल ले लिया जाए। और सामने यहीं पे चाय दुकान है, यहीं पर चाय भी पी लिया जाएगा। चलिए अभी डीजल लेकर के चाय पी लिया जाए। तो दोस्तों डीजल उधर भरा लिए हुए हैं और साइड में अपना गाड़ी कर दिए हैं और अभी चलते हैं चाय पीने के लिए। सामने दुकान है तो चल रहे हैं अभी हम और भैया साथ में। तो चलिए दोस्तों निकलते हैं, चाय पानी हो गया है हम लोग का और मौसम भी बहुत ही अच्छा किया हुआ है, एकदम ठंडा एकदम हवा चल रहा है। तो निकलते हैं और गर्म कर देते हैं मौसम, तो थोड़ा टायर का दिक्कत होता है, कमजोर टायर को उड़ने का ज्यादा डर रहता है। ऐसे भी हमारा टायर कमजोर है तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, हल्का माल है और मौसम आज बहुत बढ़िया किया हुआ है। तो चलते हैं निकलते हैं फिर। दोस्तों मोहनिया पार करके रुके हुए हैं और यहाँ पर रुके हैं टायर उठ, जब छोटू चेक कर रहा था तो देखा कि रस्सी ढीला है, तो रस्सी ढीला था तो रस्सी हम लोग तो टाइट कर दिए है। छोटू ऊपर चढ़ा हुआ था और नीचे से हम घीच करके टाइट कर दिए। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं आगे में। तो ठीक है दोस्तों निकलते हैं फिर। दोस्तों अभी वहाँ से चले हैं और सासाराम से अभी पीछे हैं और यहाँ पे बारिश इतना जबरदस्त होना शुरू हो गया है, तो देख सकते हैं डाइवर्सन में है कि पता भी नहीं चल रहा है कि किधर का रहा है किधर का है, इसलिए गाड़ी सब और स्लो करके जा रहा है। देख सकते हैं डाइवर्सन है, इसमें पानी भर गया है और पता भी नहीं चल रहा कि किधर का रहा है नहीं है। चलिए तो पानी में तो ऐसे भी धीरे धीरे चलना चाहिए, कम से कम गाढ़ा गुरा भी रहेगा तो कम से कम धीरे धीरे पार करेंगे तो उतना दिक्कत नहीं होगा। इसी में स्पीड में पार करेंगे तो गाढ़ा जहाँ रहेगा पत्ती उत्ती तोड़ देगा। चलिए इसी में धीरे धीरे निकलते हैं फिर, पानी तो पड़ ही रहा है। दोस्तों अभी दिन का 1 बज गया है और पहुंच गए अभी बारो और इधर होटल पर अभी चलते हैं खाना खाने के लिए। भूख भी लग गया है ना छोटू? हाँ। भूख लग गया है, भूख लग गया हुआ है। तो चलते हैं खाना खा लेते हैं, 1 बज गया है, वही सत्तू भरा पराठा बचा हुआ था वही खाए हुए हैं अभी। तो चलिए अभी खा लिया जाए, चलो छोटू चलो खा लिया। तो अभी खाना का ऑर्डर कर दिए भाई को, पनीर मसाला। चावल नहीं ना खाएगा? चावल नहीं, रोटी खाएंगे। रोटी खाएगा ना? हाँ।
नींद लगेगा इसलिए ना। चलिए रोटियां खा लेते हैं, चावल से नींद लगता है छोटू करता है और सही बात है। तो चलिए रोटी और पनीर मसाला का ऑर्डर कर दिया। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा खाना आ गया है, पनीर मसाला, उधर छोटू का, इधर मेरा है और भुजिया सलाद के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं खाना खाने का। फिर चलिए खा करके मिलते हैं। खाना पीना हो गया है और धूप भी बहुत जोर कर दिया है, बहुत जबरदस्त कर दिया है। तो अब चलते हैं, निकलते हैं। और खाना का पैसा हो गया है 256 रुपया। खाना बढ़िया लगा है? खाना तो बढ़िया है, कोई हंसने वाला नहीं है। और चार चार रोटी हम लोग खाए हैं, पनीर मसाला हाफ हाफ, तो 256 रुपया लगा है। ठीक है, कोई ख़राब भी नहीं है। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से और शाम तक गिरिडीह पहुँचे जाएगा। फोटो खोलो। दोस्तों अभी आ चुके हैं हम लोग जोगिया में। जोगिया में है छोटू? जोगिया में। और अभी चलते हैं, कुछ सामान लेना था गाड़ी सजाने का। तो देख सकते हैं सामने दुकान है, उसी दुकान पर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज मिल रहा है। ऐसे तो आगे भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं, अगर लेने लायक होगा तो यहाँ पर ले लेंगे कुछ सामान। तो चलते हैं फिर। और देखिए यहाँ पे कितना भीड़ लगा हुआ है, एकदम पूरा एकदम गाड़ी सजाने का एकदम सामान यहाँ पे मिल रहा है। तो छोटू पसंद किया है माला, तो यही माला मंदिर में टांगा जाएगा ना। चलिए अच्छा लगेगा थोड़ा देखने में। और सामान है आगे ले लिया जाएगा, देखते हैं। 100 रुपये का ना हो? 100 रुपया में माला। रिंग्स बना रहे हैं। चलिए ठीक है, फिर निकलते हैं यहाँ से। और भी कुछ सामान है तो ले लिया जाएगा निमिया घाट में। दोस्तों शाम का 7:45 बज गया है, अभी हम बरही पहुंच गए हैं। यहाँ से बरही अंदर बाजार में चला जाता है और अभी हम बाईपास में है और यहाँ पे जाम लगा हुआ है। लगभग 45 से 50 मिनट हो गया हमको इस जाम में, लेकिन अब हमको इधर जाना है कलकत्ता रोड में, देख सकते हैं। लेकिन ये जाम है बरही जाने वाला का, बरही बाजार में जाने वाला का जाम। तो चलिए अब यहाँ से हमको बाइक घूमना है, यहाँ से क्लियर है। चलिए चलते हैं, देखते हैं। पानी भी पड़ रहा है, बहुत जोर बारिश हुआ है, बहुत जबरदस्त, अभी भी पड़ी रहा है बारिश। और बारिश हो रहा है आप बंद करके शीशा में, कुछ दिखाई भी नहीं देता है आगे में। तो चलिए अभी देखते हैं क्या करना होगा, जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। दोस्तों अभी घंघरी होटल पर पहुंच गए हैं, देख सकते हैं सामने होटल है। और पानी तो एकदम छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है, पानी बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त, चलने में भी नहीं बनता है और अंदर से भाप बन जाता है, बहुत दिक्कत हो रहा है। तो देखते हैं ना होगा तो यहीं पर रह जाते हैं। सुबह सुबह यहाँ से 3 बजे निकलेंगे गिरिडीह, लगभग 2-2.5 घंटे में गिरिडीह पहुँच जाएंगे। इसे पार्टी से बात हुआ है तो बोल रहा है कि 7 बजे के बाद हम कुछ कहेंगे, लेबर उबर को भेजेंगे कि आप बराकर नदी के पास गाड़ी खड़ा करके रखिएगा, कुछ माल रास्ता में खाली होगा, बाकी गिरिडीह। अब देखिए पानी भी बरस रहा है, बताइए कि इसमें कुछ माल रास्ता में खाली करवाएगा, कुछ गिरिडीह, झिंगने का डर रहेगा। अब देखिए चलिए, अब तो कल है, पता चलेगा अगले ब्लॉग में, अभी तो यहीं पर रह जाएंगे। और दोस्तों पंकज भैया का भी गाड़ी यहीं पर लगा हुआ है, बस हमारा पीछे में लगा हुआ है। तो चलिए उनसे भी मिलाते हैं और रोहित भाई भी मिल जाएगा, रोहित पंकज ब्लॉग, चलिए मीटअप हो जाए फिर। तो दोस्तों यही गाड़ी है पंकज भैया का, तो चलिए रोहित गाड़ी में है, चलिए वेट करते हैं। और रोहित भाई इधर है? अरे भाई क्या हाल है, बहुत दिन पर मिल रहा है आपने ना। पंकज भैया कहाँ है? पंकज भैया घर में है। अरे वाह अच्छा लग रहा है ना। और दोस्तों देख सकते हैं पंकज भैया भी आ गए हैं, अभी पंकज भैया नवीन भैया से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये जो है भाई जी हमारे ही गांव के, मेरे घर के बगल में ही होटल है लाइन होटल, जो भी हमारे मित्र के हैं तो वहीं पे गाड़ी लगाते हैं और खाना भी ना खाते हैं। बाकी नवीन जी से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा और इनसे हमारा
मतलब एक साल से परिचय हुआ जब से यूट्यूब के दुनिया में आए हुए हैं। और नवीन जी से पहले भी एक बार मुलाकात हुआ था, ब्लॉक में देखे थे, धनबाद में हम लोग कहाँ गए थे लोडिंग में, आज लगता है चार पाँच महीने के बाद मुलाकात हो रहा है। तो चलिए अभी बनारस से लोग करके आ रहे हैं, कहाँ चाहिए सर? गिरिडीह चाहिएगा। विश्वकर्मा पूजा भैया आपको कहाँ मनेगा? हो सकता है कि धनबाद में मने, तो मतलब कल खाली कीजिएगा, कल फिर गाड़ी भी धोना पड़ेगा आपको। हाँ, नहीं तो फिर परसों सुबह धोना पड़ेगा, सुबह सुबह खाली हो जाएगा। हाँ तो कल, अगर कल सुबह खाली होगा शाम तक पहुँच ही जाएगी लगता है हमारे। हाँ नहीं, 10-11 बजे तक, 12 बजे तक, मतलब 12-1 बजे के बाद गाड़ी धोने वाला प्रोग्राम शुरू कर दीजिएगा। हाँ हाँ, आपका मोटर मालिक का क्या गाड़ी है? चार गाड़ी है। चलिए अभी बनारस से लोकल चल रहे हैं कि बाहर चल रहे हैं? अभी इधर ही बनारस से इधर ही चल रहा है। बोलिए एक दिन बरेली उरेली मुरादाबाद चलेंगे चलेंगे। बाकी तो रोहित भाई भी खड़े हैं। और तो सुनाइए रोहित भाई। और सब ठीक है ना? चलिए बहुत ही अच्छा लगा पंकज भैया से मिल करके और रोहित भाई से मिल करके। दोस्तों आप लोग सपोर्ट कीजिए नवीन भाई जैसा और कृष्णा ट्राला ब्लॉग, बहुत ही अच्छा आदमी है और बहुत ही अच्छे इंसान है। हम चाहते हैं कि आप लोग इनको सपोर्ट कीजिए। तो भैया का भी लगभग 9000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, बहुत अच्छा ब्लॉग बनाते हैं, पूरा स्ट्रगल दिखाते हैं। तो चलिए आप लोग फुल सपोर्ट कीजिए। और नवीन भाई बहुत ही जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इनका व्यवहार बहुत ही अच्छा है। कृष्णा ट्राला ब्लॉक से भी मिले थे हम, बहरागुड़ा, कहाँ पे मिले थे हम लोग? जामसोला बॉर्डर में। तो उनका भी व्यवहार बहुत बढ़िया है। तो ये दोनों भाई का हम वीडियो खुद देखते हैं भाई, तो बहुत ही अच्छा लगता है और अपने वीडियो में दिखाते हैं। और हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई है जो इनका वीडियो देखते हैं, क्या कि जो कमेंट करते हैं हम पढ़ते हैं ना कमेंट, तो हमको मालूम चलता है कि हमारे सब्सक्राइबर भी नवीन जी को सपोर्ट करते हैं, कृष्णा जी को सपोर्ट करते हैं। तो चलिए भैया बहुत अच्छा लगा मिलकर। खाना वाना खा लिए? नहीं अभी रुकवे किए हैं यहाँ पर सामने आके। मतलब देखिए भैया रुके हैं होटल में, लेकिन वहाँ चाय भी नहीं पिए ना खाना खा आगे डायरेक्ट रोहित जी से मिलने के लिए। तो भैया हम के अंदर यही है कि पता, मतलब वीडियो हमारा देखते हैं तभी इनको मालूम चल गया कि वीडियो भाई से मीटअप किए हैं, पक्का घर में होंगे। देखिए तो ब्लॉग पे हमारा देखते हैं नवीन जी, तो बहुत ही सपोर्ट करते हैं। बाकी रोहित भाई देखिए दोस्तों अभी नवीन भैया आए हुए हैं, हम लोग आज करीब 5 महीना पहले मिले थे धनबाद में जहाँ मटन लिए थे। नवीन भैया इधर जा रहे थे, हम लोग बंगाल जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मिल के भी, क्योंकि नवीन भैया का भी खुद का चैनल है, बहुत जमीन से जुड़ा हुए आदमी है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। इससे भी हम इसका बहुत नवीन भैया का ब्लॉग देखते हैं, जो धीरे धीरे कामयाब आगे जा रहा है। धीरे धीरे और नवीन भैया यदि मेहनत करेंगे तो और आगे जाएंगे। नहीं, आप लोगों को सपोर्ट करना है, हम सबको सपोर्ट करना है। नवीन भाई जी कृष्णा ट्राला ब्लॉग को दोनों का भाई आगे करना है। भैया स्ट्रगल कर रहे हैं, थोड़ा आप लोग सपोर्ट कर दीजिएगा। तो बोला गया कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा तो भाई जी का कम से कम अच्छा खासा व्यू जाएगा, तो इनको भी वीडियो बनाने में मन लगेगा भाई। तो चलिए मेहनत जारी है, समझे ना, हार नहीं मारना है। नहीं नहीं भैया, अपना से मेहनत करते रहना है और क्या। सही बात। तो ठीक है दोस्तों, चलिए पंकज भैया से मिल करके बहुत अच्छा लगा। तो भैया तो चलिए खाना पीना खाइए। खाना तो खा लिया घर में रहते हुए, तो चलिए ठीक है फिर दोस्तों। अभी 10:15 बज गया है रात का और चलते अभी खाना खाने के लिए। तो इधर होटल में आ गया छोटू अपना बैठा हुआ है और इधर बारिश भी हो रहा है, तो चलिए खाना खा लिया जाए। दोस्तों देख सकते हैं मेरा खाना लग गया हुआ है, इधर दाल तड़का है, रोटी है, भुजिया है, सलाद है, आज चटनी है। तो ठीक है दोस्तों खाना खाते हैं, और भैया का भी खाना आ रहा है, मेरा पहले आ गया है। चलिए हम लोग का खाना पीना हो गया और चलते अब आराम करते, मिलते फिर से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सुप्रभात।